डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपू भाई बैटू पहाड़ से, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमारे ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। दगड़ियों, पिछला ब्लॉग आपने देखा, आई होप आपको काफी पसंद आया होगा। तो आज सुबह से शेड्यूल बहुत बिजी था मेरा, तो स्कूटी का काम कराया वो मैं दिखा नहीं पाया था क्योंकि बहुत बिजी चल रहा है शेड्यूल इस वजह से। लेकिन अब स्कूटी मस्त हो गई है, उसका तो मड़गा टूटा हुआ था वो रिपेयर करा दिया है। अब दिखाऊंगा जब मैं स्कूटी का पूरा काम करवा लूंगा तब दिखाऊंगा। फाइनली रोजी आई थी और रोजी ने बोला कहीं घुमाना है, तो हम ले जा रहे हैं बंजारा मार्केट। सोचे थोड़ा बंजारा से मिला के आता हूँ, तो बंजारा मार्केट चलते हैं। आज मैंने सुना है कि नई कहीं पे एक और अच्छी सी बड़ी 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 मार्केट जो लगी बंजारा वाली, उसको कवर करेंगे और दिखाएंगे क्या प्राइजेज हैं और दिवाली पे क्या धूम मचने वाली। चलो तो फाइनली दगड़े हम पहुंच गए हैं 61-62 की मार्केट, बंजारा मार्केट, और यहाँ इतनी गदर भीड़ हो रही है, पूरी पार्किंग की पार्किंग, दूर तक देखो सब गाड़ियाँ पार्क हो रही है। और अंदर मार्केट में चलता हूँ, दिखाता हूँ कैसा है यहाँ का हिसाब किताब। जबरदस्त, मैंने गाड़ी पार्क कर दी अपनी, और यहाँ की जो लोकेशन है बिल्कुल फुल पार्किंग की जगह बिल्कुल मिल नहीं रही है, जैसे तैसे गाड़ी पार्क करी है अभी हमने। तो आगे को चल रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ। ये देखो सारी रोड पूरी जाम पड़ी हुई है। तो जो पहले मार्केट मैंने बंजारा दिखाई थी वो दूसरी थी, और ये दूसरी है, देखो पूरा जाम पड़ा हुआ है इधर भी, और सामने आगे बंजारा मार्केट है। उधर मार्केट के अंदर की तरफ को चल रहे हैं, और यहाँ देख रहे हो क्या जबरदस्त है। दिवाली आ रही है, तो दिवाली की वजह से पूरा डेकोरेट हुआ है पूरी मार्केट, और लोग इतने आ रहे हैं। फ्लैटों में बड़े बड़े घरों में जब स्पेस होता है तो ये बुद्धास की जो लगाई जाती है कोने में साइड में डेकोरेशन के लिए, बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ सारा माल बहुत सस्ते से सस्ता प्राइस में, मार्केटिंग थोड़ा बहुत करनी पड़ती है, पर सारा माल आपको अप टू डेट मिलता है यहाँ पर, सस्ता और अच्छी क्वालिटी का। ये सारे लकड़ी का आइटम है। भीड़ से आपको लगी रहा होगा कितनी सस्ती मार्केट है, सभी लोग आते हैं यहाँ बार्गेनिंग करते हैं, और ऐसी बार्गेनिंग होती है कि जैसे सामने वाले को भी उसका प्राइस मिले और अपना सामान मिल जाए। हमारे घर में आपने एक शीशे का फ्रेम देखा होगा, उस शीशे का फ्रेम हम यहीं से ले गए थे बंजारा मार्केट से, लेकिन वो पहले जो 56 की मार्केट लगती थी वहाँ से ले गए थे। आज हम 62-61 की मार्केट आए हुए हैं। इधर ये बड़ी मार्केट अभी सेटअप करी गई है, और दिवाली की तरह यहाँ देखो गलीचे कितने ज़बरदस्त मिल रहे हैं, मैट वगैरह सारी चीज़ें। तो फैमिली घूम ही रही है अभी, डिसाइड करेगी कुछ लेने का। लेना क्या है, घूमने के लिए आए थे, हमने कहा कि जो नई मार्केट बसी है उसको आपको दिखाएंगे ताकि आप लोग शॉपिंग कर सको। दिवाली का भी एक हफ्ते का टाइम है, और बहुत ज़बरदस्त भी यहाँ भीड़ है। डेकोरेशन के बहुत सारे आइटम हैं इधर। सुंदर सुंदर लाइट भी है। भावना ने कई बार आपको बंजारा मार्केट के ब्लॉग दिखाए थे, लेकिन ये बहुत बड़ी मार्केट है। एक साइड से हमने शुरू कराया देखना, और लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं, अपनी अपनी प्राइस सेट करवा रहे हैं लोग, मतलब जो हमारे सेलर हैं। हमें ज़्यादातर तो कुछ लेना नहीं है, थोड़ा बहुत चीज़ें लेनी है, बट मेरा उद्देश्य ये था कि आज मैं खुद चलूँ बंजारा मार्केट और आपको एक एक चीज़ के बारे में दिखाऊँ, और बहुत अच्छा तरीके से आपको ये सूट करके दिखाऊं कि कैसा बंजारा मार्केट नया सेटअप है। और बड़ी मार्केट जो है वहाँ का मैंने कोशिश करा 61-62 वाली। तो हम लोग ये अंदर जाके मैट देखने सोच रहे हैं, चटाई टाई मैट कुछ मिल जाए, सर्दियाँ भी आ रही हैं। ये सोफे भी बिछाने के लिए है, तो सोफे भी बिछाने के लिए देख रहे हैं इधर, बहुत सारा आइटम है इधर ऐसा। तो जैसा डिसाइड होता है उस हिसाब से फिर ये फाइनल करेंगे। भावना लगी हुई है अपनी उसमें, वो बार्गेनिंग पर लगी हुई है, सोफा कवर लेना उसने, देखो कितने में फाइनल करती है। भावना फाइनल यहाँ पर पेमेंट करने के मूड में आ गई है अब। और कितने में लिया भावना? भावना तो 700 रुपये की ये बात हुई है लेने की। तो इधर सभी लोग लगे हुए हैं अपनी अपनी खरीदारी करने पे। डेकोरेशन का एक से एक आइटम यहाँ पर मौजूद है, और फैमिली घुस गई है इस दुकान के अंदर, और देखते हैं यहाँ क्या शॉपिंग कर रही है। वाह, सारे एंटिक चीजें हैं यहाँ पे। तो वहाँ स्टार्टिंग से फैली हुई मार्केट पूरा, और इधर को पूरी आगे को
जहाँ तक मैं आगे को चलता जाऊँगा उधर पूरी मार्केट फैली हुई है। तो ये यहाँ पर टी पॉइंट आ गया। टी पॉइंट से फिर इस साइड को घूमोगे, इधर आगे पूरी मार्केट है। उस वाली गली में भी देखा था आपने और इस वाली गली भी पूरा भरी हुई है। सजावट के सामान इतना है कि यहाँ पर आपको जो चाहिए, जिस तरीके चाहिए, डेकोरेशन की भी चीज़ें सारी आपको मिलेगी यहाँ पर। ये इन्होंने यहाँ पर एक कमल के फूल की तरह लुक दे रही है इसको, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ अंदर सारे लाइट्स का आइटम है लाइटिंग करने के लिए। और अब इधर की तरफ बढ़ रहे हैं हम। इधर देखो पूरा, इधर भी लकड़ी का आइटम है। तो डेकोरेशन की सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बार बार बता ही रहा हूँ। और हमें इतनी ज़्यादा आज शॉपिंग करनी नहीं है, बट हमने कहा कि थोड़ा शाम का टाइम है, घूम के भी आते हैं और लोगों को नई बंजारा मार्केट जो बची है उसके बारे में दिखा के आते हैं। और यहाँ अंदर को देखो कितनी जबरदस्त भीड़ है यार। गुड़गांव की सबसे सस्ती और बढ़िया डेकोरेशन वाली मार्केट बंजारा मार्केट। घर के लिए फर्नीचर भी बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त है यहाँ पे। एंटीक आइटम तो भरपूर मात्रा में है, भरा पड़ा है। अगर आपके घर की बड़ी बड़ी वॉल हैं तो सामने का जो फ्रेम है इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं, वाह। और यहाँ पर देखो क्या ज़बरदस्त आइटम है। बड़े से हॉल में एक कोने में अगर बुद्धा लगाया जाए बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर चीज़ें फ्री में बट रही होंगी और लोग ऐसे टूट पड़े हैं सामान को लेने के लिए। दिवाली से पहले नहीं है, एक बार एक संडे और आएगा, भरपूर मात्रा में लोग यहाँ शॉपिंग करने आ रहे हैं। ज़बरदस्त आइटम रखे हुए हैं। लोगों के कैरी बैग देख रहे होंगे और हाथों पर आइटम देख रहे होंगे, कितना भर भर के सामान यहाँ से खरीद रहे हैं। फाइनली मार्केट में हमको ये जोशी फैमिली भी मिल गई है। ये देखो चैन नहीं है इनको, तब से हमको घुमा घुमा के हैं। सुधरोगे नहीं सुधरोगे तुम लोग, मेरी समझ में नहीं आता क्यों डुकू। और इधर भी इसके अंदर मार्केट है, इसके अंदर भी चलते हैं अभी, देखते हैं क्या है। इन लोगों के अभी चल रही है कि क्या करेंगे क्या लेंगे, और मेल मिलाप चल रहा है। इधर नीतू भी खड़े थे तो हम इधर भी आए हैं देखने के लिए कि इधर कैसा है। और यहाँ भी शायद मार्केट है तो अंदर भी चलेंगे एक बार देखने के लिए। बाहर ये क्या ले रहे हैं यहाँ पर, पहले ये देख लेते हैं। अंदर चलते हैं, इसके अंदर देखते हैं अभी क्या है। यहाँ भी लोग काफी जा रहे हैं आ रहे हैं। तो यहाँ भी बना हुआ है पूरा जबरदस्त तरीके से। बहुत जबरदस्त लोग यहाँ शॉपिंग करने आए हुए हैं दिवाली फेस्टिवल में। और हमने भी एक YouTube में किसी का चैनल देखा था, उसमें हमने देखा था इस मार्केट के बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जाऊं और अपने भाइयों को सबको दिखाई जाए ये मार्केट। जो नियर बाई गुड़गांव में रहता होगा वो आ सकता है यहाँ, NCR वाले भी आ सकते हैं। अभी हम अकेले अकेले घूम रहे थे, अब नीतू और की फैमिली आ गई, अब इनके साथ घूम रहे हैं। हमारा काम बस घूम ही रहे हैं
और मैं एक बात और बता दूं कि जो भी यहाँ आना चाहे अगर उसको यहाँ आने में लोकेशन में दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ की लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उस पर क्लिक करके गूगल की जो लोकेशन होगी वो आपको यहाँ ले आएगी सीधा सीधा। विज्ञा विज्ञा हरमाल विज्ञा हरमाल विज्ञा क्या ले लो ले लो, सेल लगी है सेल लगी है भाई साहब। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा कि इतनी भीड़ और कोई भी खाली हाथ नहीं जा रहा, भर भर के गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ से। तो ढाई घंटे हमको हो गए हैं घूमते घूमते, अब ये लोग यहाँ पर कुछ देख रहे हैं। क्या ले रहे हो भगू यहाँ से भगो? क्या ले रहे हो? ये रख ले रहे हैं और दो ले रहे हैं, जैसे ये है दो। अच्छा तो देखो क्या क्या लेते हैं, अभी चल रहा है इनका, बाकी मैं इधर देखता हूँ। लेट होते जा रही है, दो ढाई घंटे हमको हो गया है, शाम का हो गया है, साढ़े पाँच की तरफ क्या है थोड़ा एक बार मैं सोच रहा हूँ कि जाते जाते ये भी देखा जाए, क्या पता कुछ ऐसी चीज़ जो किसी के काम आ जाए, ब्लॉग देखने वाले कोई देखे तो उसको पता चले कि यार ये आइटम यहाँ है मुझे और चाहिए था, वो यहाँ आके ले जा सकता है। तो अंधेरा भी होने लग गया है और धीरे धीरे सभी लोग घर को निकल रहे, तो हम भी सोच रहे हैं घर को निकला जाए यहाँ से, तो फैमिली अब आगे को बढ़ रही है, फाइनली घर को निकलते हैं। पहुंच गए हम गाड़ी के पास और अब यहाँ से निकलते हैं घर को, देखते हैं रास्ते में कुछ चटपटा खाते हैं क्या करते हैं, जो भी होगा आप बने रहिए आपके अपने चैनल पे, एंजॉय करते हैं। यहाँ पर एक गाय फंस गई है पार्किंग के पास और देखते हैं कोशिश करते हैं कैसे निकलेगी। आगे पीछे कर दो, पीछे हो जाएगी, पीछे हो जाएगी, चल पीछे हो जाएगी, चल पीछे ही होगी, चल 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 हो गई हो गई हो गई हो जाएगी, हाँ गुड पीछे ही निकलेगी माता की, चल 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 यहाँ से अंदर से मत आना भाई, हट हट चल चलो चल। ये गाय दोबारा यहाँ से ना आए करके ये लगाया जा रहा है। बाय बाय, वो तो घेर देंगी नहीं, चलो अब इसको अब कर आए। तो जैसे हमने देखा और यहाँ पर गायें फंसी हुई थी, बड़ी कोशिश करी आपने देखा ही था, तो निकाल तो फिर से हम जोशी फैमिली को मिल चुके हैं और अब हम पहुंच गए हैं सेक्टर कीर्ति नगर के पास है रिलायंस फ्रेश के पास, यहाँ पर मोमोज वाले भाई साहब हैं, तो अमित ने बोला यहाँ पर मोमोज खाने हैं, तो चलते हैं आगे और देखते हैं कौन से मोमोज खाते हैं हम। तो यहाँ से फ्राइड मोमोज ऑर्डर किए हैं पनीर वाले स्टीम, हाँ हमने अपने लिए स्टीम करे हैं और ये एक प्लेट अपने लिए फ्राइड ले रहे हैं, क्योंकि इसमें चिकन का भी और वेज दोनों एक साथ करते तो हम नहीं खाएंगे अभी फ्राइड, हम स्टीम वाले मोमोज खाएंगे। तो फाइनली आ गए हैं स्टीम मोमोज हमारे और अभी फ्राइड मोमोज आ रहे हैं, तो हम करते हैं स्टार्ट, देख बाबू कैसा हो रहा है। तो हम और के फ्राइड भी आ गए, तो मोमोज पार्टी हो गई है और अब निकल रहे हैं यहाँ से घर को, सब हो गए तैयार। तो फाइनली हम पहुँच गए अपने घर और बहुत अच्छा सफ़र रहा आज ये बंजारा मार्केट वाला, तो आई होप आपको इस ब्लॉग को देखो काफ़ी जानकारी मिली होगी, और जो लोग दिल्ली एनसीआर के ये गुड़गांव के नियर बाई रहने वाले हैं वो एक बार विजिट कर सकते हैं, सेक्टर 61 और 62 की जो मार्केट बताई दिखाई मैंने ये बहुत ज़बरदस्त थी, अभी दिवाली का बहुत ज़बरदस्त सेल चल रही है, तो एक संडे और है अभी जिसमें आप दिवाली की शॉपिंग कर सकते हो, और लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोकेशन आप सर्च कर सकते हो। तो इस ब्लॉग को यहीं क्लोज करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से, ऐसे हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए आपका अपना चैनल बैक टू पहाड़, जय देवभूमि जय उत्तराखंड जय हिंद।